डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। को दिखाने वाली हूँ कि बड़ कैसे बनाते हैं। बड़ी हमारे पहाड़ियों में ये चलन आ रहा है कि बढ़िया बनती है, और वो भी एक बार नहीं बनते, दो बार बनाते हैं, मतलब तोड़ना बोलते हैं उसको। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बना रहे हैं। मम्मी पापा लगे हैं उसको करने में। इसके लिए उन्होंने पहले उड़द की दाल को भिगा दिया है। मम्मी ने उड़द की दाल भिगा दी थी, मतलब कितनी, 2-3 किलो दाल थी शायद, वो 2-3 किलो दाल उन्होंने भिगा दी थी। उसके बाद भिगाने के बाद अब वो उसके सारे छिलके निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये छिलके निकल चुके हैं इतने सारे। मम्मी मम्मी ये देखिए, इस तरीके से भिगा के उसके। मम्मी मम्मी हाँ जी मम्मी, हाँ जी मम्मी, आ रही हूँ मैं, टॉय लेने आ रही हूँ। ये देखो, ये है दाल भीग चुकी है, ये इसमें से ये सब छिलके निकाल दिए हैं मम्मी ने। चलिए चलिए, तब तक मैं आपको आगे और दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पापा कर रहे हैं मूली और खीरे को कस रहे हैं। ये मूली और खीरे डालते हैं दाल के साथ इसमें, बड़ में। ये देखिए कार्यक्रम चल रहा है। जब सब हो जाएगा, सब डल जाएगा, तो उसके बाद इनको मिक्स करेंगे, दाल को और मूली और खीरे को। चलिए, ज़्यादा मैं आपको मम्मी से बता पूछवा के बताती हूँ। ये लीजिए, लो मैं बताती हूँ जरा बड़ी के बारे में चीज़ें। बड़ी ये हमारे अशोक के महीने में बनती हैं, नवरात्र में बनती हैं, ये शुभ होती हैं। इनको जब शुरुआत करते हो तो इनको छोड़ा नहीं जाता, ये हर साल बनेंगे नवरात्रि में। उड़द की दाल को भिगो पहले, फिर उसकी सफाई करो अच्छी तरह, छिकल करो सारे निकाल लो, फिर मूली के बनाओ, चाहे खीरे के बनाओ, चाहे भूज के बनाओ, उसको कस के फिर इसको इन्हें पीसूंगी, फिर पीस के मिला के हींग डालूंगी, नमक डालो, नमक के बनाओ, फीके बनाते हो तो फीके बनाओ, ऐसे बनते हैं। तो ये है, तो अभी दाल भीग के धुल चुकी है, अभी पिसनी है। और खीरे और पिसती भी ये टाइट टाइट पिसेगी, यानी कि पानी में गीला गीला पिसो, पानी नहीं डालना, मतलब इसमें इसको ऐसे इसको जरा सी अलग ढंग से पीसी जाती है ये। जब ये पीस जाएगी तो फिर इसको खीरे और जो मूली पापा कस रहे थे उसके साथ इसको सारा मिक्स करके बड़ी बनाएंगे, दिखाएंगे आपको आगे का भी प्रोसेस, दिखाएंगे कैसे हो रहा है। चलिए बने रहिए मेरे साथ। बात और है, मैं इसको अब सब तैयार कर लूंगी, मतलब आज बृहस्पतिवार है, आज मैं बनाऊंगी नहीं बड़ी, तैयार कर लूंगी, इसकी तैयारी कर लूंगी। सुबह शुक्रवार है, सुबह तोड़ूंगी, इसके लिए बाद भी जरूरी है, चाहे सोमवार करो, चाहे शुक्रवार करो, बुधवार करो, तो अच्छे बार को तोड़नी पड़ती है, फिर एक बार फिर बनाऊंगी, एक ही बार भी नहीं बनती बड़ी, दो दो बार बनती है, द्वार करनी पड़ती है। ये जी जी धन्यवाद, ठीक है। तो ये देखिए, पापा ने कस दिया था ये मूली और खीरा, अब मम्मी उसको निचोड़ रहे हैं। ये देखिए, ऐसे निचोड़ के इसको सूखा यहाँ पे रख दिया, और इसको कस के निचोड़ के पानी वहाँ छोड़ दिया, और जो उसका सामान है उसको वहाँ डाल दिया। गांव में तो भूज की बनती थी ना ये, भूज की बनती थी, घिया की उसकी बनाते थे। अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये मूली मोटी मोटी खीरे ये ढूंढ के लानी पड़ती हैं। हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में ये पहाड़ वाली चीजें नहीं मिल पाती, तो हम जैसा मिलता है उसी से काम चला लेते हैं यहाँ पे। फिर भी बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ, फिर भी अच्छा होता है। ये देखिए, इसमें बहुत ताकत लगती है, और अभी इसमें मिर्ची में बहुत, ये मूली में बहुत मिर्ची होती है, तो उससे हाथ पूरा जलन होने लग जाता है। मेहनत बहुत है, पर बाद में जो स्वाद आता है वो भी जबरदस्त होता है।
वही जबरदस्त है ये तो, मेहनत देख के तो मन करता है रहने दो, पर ये बंद भी नहीं करी जाती है। अगर एक बार उठा लिया जाए तो फिर इसको छोड़ते नहीं है बोल रहे, तो इसलिए ये मम्मी करते हुए आ रहे हैं, तो ये हर साल करते हैं मम्मी इसको तोड़ते हैं, फिर जो भी हमारे दीदी रिश्तेदार सब उनको थोड़ा 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 सबको देते हैं बना के। ये देखिए ये मम्मी ने दाल पीसना स्टार्ट कर दिया है। अब पीसे इसमें ज्यादा पानी डल जाए हो जाए इसमें तो ये बढ़िया गीली हो जाती है, और जब कम पानी डालो सूखी पीसो तो ये पीसती नहीं है, तो इसको भी तरीका अलग पीसने का, तो ये बड़ा ध्यान से पीसी जाती है कि ये गीली भी ना हो और सूखी भी ना हो अच्छी तरह से। ये देखिए इसकी इतनी ठीक है, ये इतना ठीक है, अच्छा है। तो ये पिस गई है दाल, और इसमें खीरा और जो मूली था वो भी कसा हुआ है, अब मम्मी मिला रहे हैं इसको। मिलाने के लिए इसमें मम्मी पहले हींग डाल रहे हैं, कितना डालना है ये देखिए, इतना हींग डाल दिया है। नमक अपनी मर्जी है बोल रहे हैं, जब नमक डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। वो दे जीरा डाल दे, और क्या है जीरा ये है जीरा, नहीं 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 मसाला है दूर है उससे, नहीं था नहीं वो मिर्ची है, वो सारा वीडियो बता कर दिया, नहीं वो हो जाएगी इससे मिर्ची है उसमें। कैसे नहीं बच्चे, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, ये अब ये सुबह का टाइम हो गया है, सुबह 6:30 हो रहे हैं, मम्मी तो पहले से आ गई है यहाँ पे, ये देखिए सूर्य देवता आ गए हैं, जय हो सूर्य देवता। और मम्मी यहाँ मम्मी ने बड़ी तोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये है मसाला, उसको डाल रहे हैं उसमें, अभी सुखाने के प्लास्टिक की पॉलिथीन में रखा है, सुखाएंगे इसको धूप में, 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे ना इसको सूखने में, अच्छी धूप होगी, अच्छी धूप होगी तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे इसको सूखने में बड़ियों को। ये देखिए ये कप छोटा तो नहीं पड़ेगा प्लास्टिक वाला, नहीं अभी और लाई हूं, छोटा पड़ेगा तो और लाई हूं। ले ले अच्छी आ रही है लाल लाल, जगह का अलग अलग रिवाज होता है, कोई गोल गोल बनाते हैं वो मेरे को तलने में अच्छे नहीं लगते, ये तल जाते हैं अच्छी तरह ना, तब हम फ्राई करते हैं इनको अच्छे तल जाते हैं, वो एक ही साइड तलते हैं दूसरी साइड पलटने पड़ते हैं। देखो अपने अपने देश का अपना अपना रिवाज है, ये हमारे कर्टन सूख रहे हैं जो हमने वॉशिंग मशीन में वॉश किए थे,
इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उसको देखिएगा जाके कि कैसे हम वॉशिंग मशीन में इन कर्टेंस को मेटेलिक रिंग के साथ वॉश कर सकते हैं बिना उनके टूटे। और एक दिन सुखाने के बाद ये ऐसी दिखती हैं, एक तरफ से क्रिस्पी लग रही हैं, एक तरफ से कच्ची लग रही हैं, तो इनको टाइम लगेगा अभी और दिन दो, एक दो दिन और लगेंगे अच्छे से सूखने के लिए। कल भी जब हमने इसको डाला था उसके बाद एक बार शाम तक दिन तक दोबारा घुमा दिए थे, तो उसके बाद भी ऐसे हैं। तो अभी इनको ऐसे ही खुला परात में रखेंगे और ये देखिए अब 3-4 दिन बाद ये कैसे हो गए, एकदम सूख के एकदम टुकड़ हो गए हैं, इनकी आवाज़ आ रही है देखिए कितनी अच्छी। तो अब इनको हम स्टोर कर देते हैं एयर टाइट कंटेनर में और जब मन हो तब बना के खा सकते हैं। तो बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय, सी यू अगेन विद द न्यू कंटेंट।